देखिए, भारत के इतिहास में भारत को अक्सर तब हार का सामना करना पड़ा है जब भारत के अपने ही लोगों ने भारत को धोखा दिया है। जैसे मीर जाफर के धोखे से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। अब देखिए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का एक नया बड़ा दुश्मन उभरा है और आज वो दुश्मन उसी अंग्रेजी टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने देखा है कि आमने सामने की टक्कर में तो इंडिया ने उनका हंगामा के राजपाल यादव वाला हाल बना दिया है। 38 चाइनीज ट्रूप्स पेरिश्ड इन गलवान, इंडिया गिव मच मोर देन अ ब्लडी नोज। इसलिए आज भारत को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने देश के अंदर से आ रहा है, अपनी खुद की मीडिया, अपने खुद के बुद्धिजीवी और अपने खुद के पॉलिटिकल लीडर्स से। द बीजेपी लॉन्च्ड अ फुल फ्रंटल अटैक ऑन द कांग्रेस एंड राहुल गांधी अलेजिंग दैट द पार्टी वाज गेटिंग फंड्स फ्रॉम चाइना। इट्स एन ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा टूलकिट बाय चाइना। आज हम देखेंगे कि कैसे वो जो दूसरों को गोदी मीडिया बुलाते हैं, जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है क्या है, ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। चाटुकार गोदी मीडिया, वो लगता है खुद चाइना की गोद में बैठे हुए हैं। इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन मीडिया में कितनी दूर तक चाइना की पहुंच जा चुकी है, आइए पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड रुकना। तो हाल में ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के मीडिया के बीच के कनेक्शंस एक्सपोज हुए हैं। नेविल रॉय सिंघम इज नेम्ड एज अ सेंट्रल फिगर इन अ प्रो चाइना प्रोपेगेंडा नेटवर्क। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन फरवरी 9th कंडक्टेड रेड्स एट द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक। यार, गोदी में बैठना एक चीज होती है, ये लोग तो लैप डांस दे रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं। बिटवीन प्रकाश करात एंड नेविल रॉय सिंघम सून आफ्टर द Galwan skirmish has already happened. India has lost 20 of its soldiers. Rahul Gandhi questioned the Prime Minister, but himself had a discussion with the Chinese ambassador on Saturday. The lady with Rahul Gandhi in the nightclub was a Chinese ambassador. तो आइए सबसे पहले चाइना और इंडियन मीडिया के बीच के कनेक्शन को जानते हैं। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा खुलासा पब्लिश किया जिसमें एक अमेरिकन बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया के बड़े मीडिया पब्लिशर न्यूज क्लिक के बीच में कनेक्शंस दिखाए गए। इंडियन वेबसाइट न्यूज क्लिक्स लिंक एंड शोज हाउ इट वाज लिंक्ड टू द चाइनीज गवर्नमेंट। ईडी हैड रिवील्ड दैट दिस मीडिया पोर्टल हैड रिसीव्ड फंड्स worth up to 38 crore rupees from overseas with authorities tracing the money to this American millionaire Singham. Singham sirf Bharat mein hi nahi balki China ki Communist Party ka propaganda Brazil, South Africa aur US jaise deshon mein bhi phaila raha hai. This one spreads the theory that the coronavirus was manufactured by the US army. चाइना की पिछले कुछ सालों से एक सोची समझी स्ट्रेटेजी रही है अलग अलग देशों में मीडिया को फंड करने का और उनका इस्तेमाल करके उनके ही देश में चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने का। हमने तमिलनाडु का सिंघम देखा है, बॉलीवुड का सिंघम देखा है और आइए आज यूएस के सिंघम को देखते हैं। सिंघम एक अमेरिकन टेक एंटरप्रेन्योर है जिसने थॉटवर्क्स नाम की एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी फर्म को क्रिएट किया था। 2017 में सिंघम ने अपनी कंपनी को एक ब्रिटिश कंपनी को $785 million में बेचा था। लेकिन सिंघम के कई सालों से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अलेजेड संबंध रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स वो हमेशा से माओइज्म और कम्युनिज्म का सपोर्टर रहा है। इनफैक्ट उसकी कंपनी में एम्प्लॉइज एक दूसरे को कॉमरेड बोला करते थे। बताइए, बनना कॉमरेड चाहते हैं लेकिन पैसा कैपिटलिज्म से एक कैपिटलिस्ट देश में रह के कमा रहे हैं। इनको देख के उन लोगों की याद आती है जो हमेशा पाकिस्तान के टॉकिंग पॉइंट्स बोलते हैं, जिनको इंडिया में बहुत ज्यादा डर लगता है लेकिन फिर भी भारत छोड़ के पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडिया टुडे इसके चाइनीज गवर्नमेंट से और भी कनेक्शंस है। 2008 में ये हुआवेई में एक टेक्निकल एडवाइजर था। इसने शंघाई लुओ वेइशिंग और गोंडवाना फूड जैसे चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया हुआ है और ये शंघाई शिनोंग कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुका है। सिंघम की वाइफ जोडी एवंस ने एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोड पिंक को क्रिएट किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में चाइना इज नॉट आवर एनिमी नाम का एक कैंपेन शुरू किया था, जिसके थ्रू बेसिकली वो अमेरिका में चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और अपने पैसे, रिसोर्सेज और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके ये लोग चाइनीज टॉकिंग पॉइंट्स को पूरे दुनिया में फैला रहे थे, जैसे कि उइघुर जेनोसाइड का डिनायल।
फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बात करती है कि कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिंघम के थ्रू भारत में न्यूज क्लिक नाम के एक मीडिया प्लेटफॉर्म को फंडिंग दे रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टू नेवल रॉय सिंघम, नेवल फर्दर गोज ऑन टू गिव 30 करोड़ रुपीस टू न्यूज क्लिक। रिपोर्ट ने रिवील किया कि सिंघम का न्यूज क्लिक के को फाउंडर गौतम नवलखा से भी कनेक्शन थे। गौतम नवलखा शायद आपको याद होगा, गौतम नवलखा पर NIA ने आरोप लगाया था कि वो नक्सल्स को हेल्प करने की कोशिश करता है। भीमा कोरेगांव के राइट्स के समय पर NIA ने गौतम नवलखा पर राइट्स भड़काने का भी आरोप लगाया था और अपेरेंटली इसके पाकिस्तान से भी संबंध है। नवलखा ने कश्मीर में भी सेपरेटिज्म और आतंक को सपोर्ट किया है और इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया है। हिंदुस्तान क्या करने चाहता है, क्या करने वाला है, उसके बारे में हम सब जानते हैं और दोहराने की जरूरत नहीं। And all that we can offer to the Kashmiris is military suppression, pellet gun, tear gas, bullets, arrests, rape, massacres. और 2022 में भारत की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने न्यूज क्लिक की फंडिंग को एग्जामिन किया था, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और न्यूज क्लिक के बीच के संबंध पाए गए थे। न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रवीर पुरकायस्थक के भी नेविल रॉय सिंघम से क्लोज संबंध है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नेविल रॉय सिंघम ने फंडिंग का इस्तेमाल किया था भीमा कोरेगांव के दंगाइयों को सपोर्ट करने में और उनको न्यूज क्लिक में जॉब दिलाने में। 20.5 lakh rupees was transferred this time from NewsClick to one of the accused. The accused was appointed as NewsClick's independent partner. सिंघम ने पुरकयस से दो चाइनीज मूवीज रेड स्टार ओवर चाइना और द सीक्रेट ऑफ चाइना को डबिंग और सबटाइटलिंग के लिए भी कांटेक्ट किया था। जैसा कि इमेजिन कर सकते हैं, ये मूवीज बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी का जो पैसा है वो कुछ कोट अनकोट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट को भी भेजा गया था, जैसे न्यूज क्लिक के अभिसार शर्मा, शाहतुकार मोदी मीडिया और तीस्ता सेतलवार के परिवार को। तीस्ता सेतलवार अगर आपको याद होगा तो वही एक्टिविस्ट है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस से पैसे लिए थे गोधरा रायट्स के बाद बीजेपी का और मोदी का नाम खराब करने के लिए, और इनको अरेस्ट भी किया गया था गोधरा रायट्स के जो विटनेसेस थे उनके साथ टेम्परिंग करने के लिए और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। भैया अगर ये लोग अनबायस्ड जर्नलिस्ट हैं और अनबायस्ड एक्टिविस्ट है, फिर तो जुबान केसरी भी हेल्थ एक्सपर्ट है। और न्यूज क्लिक को जो अलेजेड फंडिंग मिली है उसका रिजल्ट आप देखिए कि जब भारत गालवान के अटैक के बाद टिकटॉक को बैन करने की बात कर रहा था तो न्यूज क्लिक ने चाइना को सपोर्ट किया। हाउ आर 20 ईयर ओल्ड्स हु आर लिप सिंकिंग टू सम म्यूजिक एंड डांसिंग आर अ डिफेंस और अ सिक्योरिटी थ्रेट। बैनिंग वीचैट इफेक्टिवली क्लोजेस द ओनली कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन चाइनीज एंड इंडियंस। इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज पे न्यूज क्लिक ने चाइना को सपोर्ट किया। इंडिया मस्ट एंगेज इन कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर नेगोशिएशंस एंड टोन डाउन मिलिटरिस्टिक रेटोरिक। इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी पे न्यूज क्लिक ने चाइना को सपोर्ट किया। द एफिकेसी ऑफ द एंटायर फॉरेन पॉलिसी लाइन दैट जयशंकर परस्यूड हैज बिकम क्वेश्चनेबल। कश्मीर की कवरेज में भी उन्होंने पाकिस्तानी व्यू पॉइंट को, स्टोन पेल्टर्स को और सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया। अगर फैजान पत्थर भी मारा तो पत्थर का जवाब गोली तो नहीं, ये कभी नहीं हो सकता था, उसको लेग शॉट भी दे सकते थे। दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नॉट टुडे राइट फ्रॉम 47। Why don't you talk together? इन्वेस्टिगेशन में न्यूज क्लिक को भेजे गए ईमेल्स में दिखता है कि उनसे कहा गया था कि चाइना की कोविड हैंडलिंग की तारीफ की जाए और इंडिया और अमेरिका की कोविड हैंडलिंग की निंदा की जाए, और उन्होंने यही किया। 3 आर्टिकल सीरीज ऑन चाइना एंड इट्स हैंडलिंग ऑफ द वायरस। उन्होंने चाइना की तारीफ की, उन्होंने इंडियन वैक्सीन पर जबरदस्ती डाउट डालने की कोशिश की। और अब बात करते हैं उन मीडिया और पॉलिटिशियंस की जिन्होंने आओ देखा ना ताओ अंधाधुंध ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही न्यूज क्लिक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। न्यूज क्लिक चैनल और वेबसाइट के दफ्तर में ईडी ने छापे डाले। भारत में प्रेस की आजादी है जो कि आप देख ही रहे हैं। The All India Kisan Sabha strongly denounces the Enforcement Directorate raid on NewsClick. America ke Democracy Now ne bhi NewsClick ko support kiya. Journalists and press freedom groups around the world are condemning the crackdown by the government of Prime Minister Narendra Modi on the progressive news site NewsClick. Democracy Now ki jo host hai madam, wo Neville Singham ki ek kareebi dost hai aur Neville Singham ki shaadi mein bhi ek guest thi. The government is increasingly cracking down
on media outlets and even individual journalists. A shameless attempt on the intimidation of the journalists. और फिर सागरिका घोष है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, रामचंद्र गुहा है, राजदीप सरदेसाई है, आरजे सायमा है, तरह तरह के 2BHK के जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने तुरंत ईडी का रेड पढ़ते ही न्यूज क्लिक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि बिना ईडी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ईडी गलत है और न्यूज क्लिक सही है? भाई यही लोग हैं जो भारत के कुछ लोगों को अंधभक्त बोलते हैं। तो ब्लाइंडली अंधाधुंध न्यूज क्लिक को सपोर्ट करना क्या कहलाता है माई बाप? सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। ये तो वही बात हुई कि अर्नब गोस्वामी दूसरे चैनल के एंकर्स को बोल रहा है कि तुम इतना चिल्लाते क्यों हो, कहाँ छिपा हुआ है? और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अपेरेंट इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडियन मीडिया में ही नहीं, अलेजिडली इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट के मुताबिक CPIM के लीडर प्रकाश कारात के भी नेविल रॉय सिंघम से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। प्रकाश कारात राइट्स टू मिस्टर सिंघम ऑन द 1st of January 2021, दिस इज सून आफ्टर द गलवान स्कर्मिश हैज ऑलरेडी हैपेंड, इंडिया हैज लॉस्ट 20 ऑफ इट्स सोल्जर्स। टाइम्स नाउ के ढूंढे हुए एक ईमेल एक्सचेंज में प्रकाश कारात ने गलवान के क्लैश के समय पर चाइना की बहुत तारीफ की थी, इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट की निंदा की थी। तो जिस समय पर गलवान का क्लैश हुआ, जहां पर हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, जहां पर पूरे देश का गुस्सा चाइना की तरफ गया हुआ था, उस समय CPIM के लीडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एजेंट्स को प्यार भरे ईमेल्स लिख रहे थे। सो मिस्टर करात टॉक्स अबाउट हाउ एंटी चाइना फीलिंग्स आर बीइंग व्हिप्ड अप इन द मीडिया, द इंडियन गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना व्हिच इज गोइंग टू हार्म आवर कंट्री मोर। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम ने ट्राई कॉन्टिनेंटल नाम के एक लेफ्ट विंग थिंक टैंक को भी क्रिएट किया है, जिसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय प्रसाद है, और विजय प्रसाद CPIM लीडर बृंदा कारात का भाजा है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक CPIM के IT सेल के मेंबर बप्पादित्य सिंह को भी 52 लाख रुपीज दिए गए थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू। याद रखिए कि जब ईडी की रेड हुई थी न्यूज क्लिक पर, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स ने अंधाधुंध न्यूज क्लिक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट है, एक दो तीसरा ये चौथा। उसके ऊपर से भी कांग्रेस के ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेशनशिप होने के आरोप लगाए गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस। राजीव गांधी फाउंडेशन चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त। 2008 link with the Chinese Communist Party where a MOU was signed which also involved Sonia and Rahul Gandhi traveling to Beijing. Rahul Gandhi questioned the Prime Minister and hit out at the Prime Minister, but himself had a discussion with the Chinese ambassador on Saturday, and all this while was probably hiding that he had a meet to discuss the Sino-India relations. Main Chinese ambassador ko bula ke main apni khabar ke liye maine. और अनफॉर्चुनेटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ही नहीं है, और भी डेंजरस हो रहा है। सिंघम ने इंडिया में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसका नाम है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, यानी परी। ये प्रोजेक्ट इंडिया के रूरल सोसाइटीज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन नेविल रॉय सिंघम और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाता है, ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो मर्जी करें। आपने नोटिस किया होगा कि जो AI के एल्गोरिदम है वो अक्सर हिंदूज और इंडिया के खिलाफ बायस्ड होते हैं, क्यों गेस कर लीजिए। और परी जो माइन न्यू डेटा इकट्ठा कर रहा है इंडिया के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, अलग अलग ट्राइब्स कम्युनिटीज के बारे में, और उनके बीच के जो फॉल्ट लाइंस है उनके बारे में, उस सारे इंफॉर्मेशन को चाइना किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में फूट डाल सकता है, इंडिया में आग लगा सकता है, वो भी आप इमेजिन कर ही लीजिए। आपने पिछले कुछ सालों में देखा ही है कि CAA के समय पर किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन करके हिंसा की गई थी, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर किस तरह से किया गया था, हिजाब की कॉन्ट्रोवर्सी में किस तरह से किया गया था, अभी हाल में ही हुए मेवात के हिंसा में किस तरह से किया गया था, और आगे भी इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किस तरह से भारत पे आग लगाई जा सकती है, आप इमेजिन कर लीजिए। उसके ऊपर से जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मिशनरी ग्रुप्स हैं, जैसे कि जोशुआ प्रोजेक्ट, उनके लिए भी परी का ये इन्फॉर्मेशन कितना यूजफुल है आप समझिए, कि वो छोटी छोटी डिटेल को जानकर बिल्कुल माइन्यूट तरीके से एक कस्टम स्ट्रेटजी बना के अलग अलग कम्युनिटीज को टारगेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और परी का भी जो हेड है उसने भी न्यूज क्लिक इनको सपोर्ट किया था। You have declined to be stenographers to power. Oh.
और चाइना का इंडिया में फैलता हुआ इन्फ्लुएंस कितना खतरनाक है, ये समझने के लिए आप उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी को समझिए। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ओन पब्लिकेशंस ने दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशंस के साथ पार्टनरशिप की है, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूके टेलीग्राफ, और इन सारी पार्टनरशिप्स के थ्रू इन न्यूज़पेपर्स में प्रो चाइना आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं, जैसे कि चाइना तिब्बत में कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी अच्छे से तिब्बत ग्रो कर रहा है चाइना की वजह से। और रिपोर्ट से ये भी जाना जाता है कि चाइनीज मीडिया हाउसेस ने टाइम मैगजीन को $7 लाख दिए थे, फाइनेंशियल टाइम्स को $3.5 लाख दिए थे, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को ऑलमोस्ट $3 लाख दिए थे, लॉस एंजलिस टाइम्स को $2.5 लाख से ज्यादा डॉलर दिए थे। हाल में ही हिंदू न्यूज़पेपर, जिसको हमारे यूपीएससी के करोड़ों एस्पिरेंट्स गीता की तरह पढ़ते हैं, उन्होंने एक फुल पेज प्रो चाइना एड पब्लिश किया था। ये तो अपना बायस छुपाते भी नहीं है यार, ये तो इतने बेशरम है कि अनइनवाइटेड आपकी शादी में आ जाएंगे और फिर कंप्लेन भी करेंगे कि बिरयानी अच्छी टेस्ट नहीं कर रही है। तो चाइना की क्लियरली एक सोची समझी स्ट्रेटजी है कि अलग अलग देशों की डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का दुरुपयोग करके उनमें अपना इन्फ्लुएंस फैलाया जाए और इन देशों में प्रो चाइना सेंटिमेंट डेवलप किया जाए और अल्टीमेटली रिजीम चेंज किया जाए। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी मीडिया, खासकर ऐसी मीडिया जो हमारी गवर्नमेंट से सवाल पूछती है, अगर ऐसी मीडिया चाइना के पॉकेट में है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी मीडिया से कि वो हमें सच बताए, कि वो ऑनेस्टली हमारे गवर्नमेंट से सवाल पूछे? क्या उनको सही में सच्चाई की चिंता है या चाइना के टॉकिंग पॉइंट्स को रिपीट करने की चिंता है? आप सोचिए कि हम कैसे हमारे देश की मीडिया को ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरह के खुलासे हमारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री पर सवाल खड़ा कर देते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि भाई हमारे देश में असली गोदी मीडिया है कौन, और दूसरों को गोदी मीडिया बोलने वाले लोग खुद चाइना की गोद में क्यों बैठे हुए हैं? और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारी मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस चाइना की जेब में है, तो हम किसको ट्रस्ट कर सकते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से चाइना के इस इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप गोदी मीडिया के इस फेनोमेनन के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना